जगदीशपुर क्षेत्र निवासी ओमवती ने परिवार के साथ प्रेस वार्ता कर दबंगों से बचाने की गुहार लगाई है। ओमवती और उनके स्वजनों का आरोप है कि वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश चंद सोनी के भाई रमेश चंद सोनी उनके बेशकीमती जमीन के 450 वर्ग गज के प्लॉट को हड़पना चाहते हैं। योगी सरकार के राम राज्य में ठेल ढकेल और सब्जी बेचकर घर चलाने वाला परिवार भयभीत है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि रमेश चंद सोनी 450 वर्ग जमीन को अपनी बता रहे हैं। जमीन को खाली कराने के उद्देश्य से परिवार पर झूठे मुकदमे लगवा दिए हैं। पीड़ित परिवार ने यहां तक कहा कि विधायक जी धर्मेश दबंगों का साथ दे रहे हैं, लेकिन सूत्रों की माने तो यह मामला दो विधायकों के बीच वर्चस्व की लड़ाई बन गया है। पीड़ित परिवार की ओमवती अपने पास जमीन के कागजात बता रही है। इस प्रकरण में दो विधायकों का अलग अलग पक्षों का समर्थन करने के चलते पुलिस उचित कार्रवाई नहीं कर पा रही है, लेकिन पीड़ित परिवार ने मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। ओमवती कागी निवासी हो आप? जगदीशपुर थाना लगता है। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि मेरी जमीन है 500 गज। कहाँ पर जमीन है 500 गज? फिर क्या दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत ये आती है कि ये सोनी वाले मुझसे जो कहते हैं रमेश चंद सोनी कि ये जगह हमने खरीद ली है, खाली कर, अगर तू खाली नहीं करेगी तो तुझे जेल भिजवा देंगे तेरे बच्चों को, और झूठा ऊँटा केस लगवाता है। अभी हम जेल पहुँचाते होते छत्ता थाने में रिपोर्ट करके नहीं आना झूठी कि मैं पिस्तौल दत देती हूँ, जेल कर देती हूँ, ऐसे कर रहे थे। हमें मदद चाहिए, हमें इनसे बचाओ। सुरेश चंद सोनी कौन है? सुरेश चंद सोनी वो मेरे घर के ही सामने है बिल्कुल। अरे वो उनके घर में दो जज है, एक उनकी बहू है, एक उनका लड़का है, और बाकी 10-11 वकील है। उनके 11 वकील है और दो जज है उनके घर में, और एक विधायक जी है। क्या नाम है? धर्मेश जी। क्या कहते हैं उनका, क्या मामला है उनका? जो है इनका साथ देते हैं, हमें बंद कराते हैं, जो कानूनी कार्रवाई करते हैं वकील है जज है तो वो केस बनाते हैं। देवी रानी मौर्य का क्या मैटर है जो भतीजे का नाम है? कोई मैटर नहीं हमारा। अब तो हमारी जगह है, वाले अपनी जगह बताते हैं। कागजात किसके नाम है? हमारे नाम है। हमारे नाम है। रजिस्ट्री लेके आए हो आप यहाँ पे? रजिस्ट्री नहीं आया सर, क्योंकि हमारे टूटे मूटे मकान है, मन से जब घुस जाते हमें इस वजह रजिस्ट्री लगी है। हमारी जान तो बच रही है, क्योंकि उनने हमारे घर में दो कैमरे लगा दिए इस समय भी, और मेरी जगह पे लिख दिया है कि मैंने सोनी की संपत्ति ऐसा अभी भी कर दिया। सोनी क्यों दावा कर रहे हैं अपनी जमीन होने का? वो दावा उनका शुरू से यही कहा है, पूरा जगदीशपुर सुरे में कोई बोलता नहीं है, सब डरते हैं। अब क्या चाहते हो आप? हम मदद चाहते हैं अपनी मदद चाहते हैं, हम गरीब लोग हैं। देखो सर, हमारी चद्दर टूट गई, हम चद्दर भी लाए ना तो हमारी चद्दर भी छुड़ा के रखी है, हमें रहने नहीं दे रहे हैं। कागजात तुम्हारे नाम है, जमीन तुम्हारी है, कब्जा तुम्हारा है, फिर क्या दिक्कत आ रही है? ये दिक्कत है, हम लोग उनके वो सीधे केस बना के जी हमें जेल पहुँचाना चाहते हैं और हमारी जगह को कब्जा करना चाहते हैं। मुकदमा लिखा है तुम्हारे खिलाफ? मुकदमा लिखा है तुम्हारे खिलाफ? हाँ, मुकदमे लिखा है तुम्हारे। कल भी हम अपनी जमानत करा के लाए सर। किन दानों में लिखा कुछ पता है तुम? हम पे केस बनाया था कि मैं तो फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ, शनिवार का दिन था कि जे ऑटो चला के मर्डर कर आया है, और मेरी माँ बैठी थी, मेरी बहू बैठी थी, तो उसमें इनने पिस्टन दिखाई है, मुझे रोका था बिजेंद्र सोनी ने और जे महेश सोनी है, इन दोनों ने रोका था। तो मतलब मैं ही नहीं तो रोका क्या, ना तो मेरे पे कोई केस, ना मेरा टेम्पो चलाया, ना मैं केस चला था टेम्पो, मेरे ऊपर केस बना के और मेरी माँ और भाई को सबको जेल पहुँचा कल, तो हमने जमानत कराई अपनी, जब जमानत करा के आए हैं।